हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सीने एक्सप्लें आज मैं बात करने वाला हूं द विचर के सीज़न टू के न्यू अपडेट्स के बारे में आंद्रेज साबको के नोवेल पर बेस्ड पहले सीजन में टोटल आठ एपिसोड हैं ये पहला सीजन आंद्रेज की बुक द लास्ट विश एंड स्वर्ड ऑफ डेस्टिनी पर बना है सबसे पहले हम बात करते हैं सीज़न वन की एंडिंग के बारे में सीजन वन तीन लोगों की स्टोरी के ऊपर फोकस करता है जिसमें पहला है इरेविया का कैरोइड द विचर मतलब हेनरी केविन विचर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो एक ख़तरनाक योद्धा होते हैं और उनके पास मैजिकल पावर भी हैं और रुपए कमाने के लिए मोस्टर को मारते हैं दूसरा कैरेक्टर है येनिफर येनिफ़र एक मैजिशियन है येनिफ़र की माँ एक इंसान थी और पिता हाफ एल्फ़ और हाफ ह्यूमन थे इसलिए येनीफ़र दुनिया में सबसे पावरफुल मैजिशियन में से एक है क्योंकि एल्फ के पास जन्म से ही पावर्स होती हैं इसलिए येनीफ़र एक नेचुरल मैजिशियन है तीसरा कैरेक्टर है सीरी जो सीट्रा की प्रिंसेस होती है सीट्रा जो पूरा राज्य तबाह हो चुका है सीरी की स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन की दिखाई गई है विचर और येनिफर की स्टोरी पास्ट में दिखाई गई है पास्ट और प्रेजेंट के टाइमलाइन के कारण स्टोरी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती है प्रेजेंट और पास्ट के बारे में हमें लास्ट एपिसोड में पता चलता है पूरी स्टोरी को समझने के लिए आपको देखनी होगी यह सीरीज़ लेटेस्ट अपडेट से पता चलता है कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ द वीचर सीजन टू के लिए हैंनरी कैविन की जगह पर एक न्यू वीचर कास्ट कर रहा है अब सवाल यह है कि क्या हैंनरी कैविन अभी भी विचर होंगे या नहीं इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच सभी फ़िल्मों की तरह द वीचर सीजन टू की भी प्रोडक्शन को रोक दिया गया है नेटफ्लिक्स और प्रोड्यूसर प्री प्रोडक्शन के काम पर ध्यान दे रहे हैं इसलिए जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तो बिना किसी देरी के इस सीरीज पर काम शुरू हो जाएगा वीचर सीजन टू में नेटफ्लिक्स कुछ नए कैरेक्टर को भी कास्ट कर रहा है न्यू अपडेट के हिसाब से नेटफ्लिक्स विचर के लिए न्यू एक्टर की तलाश में है इसका मतलब यह है कि हैंनरी कैविल सीजन वन के बाद वीचर के लिए गुड बाय कर रहे हैं बट नॉट श्योर नेटफ्लिक्स ने वीचर सीजन टू में हैं कैविल के बारे में कुछ और सोचा हो आप द वीचर सीजन टू को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें